आप सबके बीच का एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जिसने गज़लों के साथ साथ नज़मों में जो कारीगरी की है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत कम लोगों ने देखा है। साथियों, मेरा इल्तमाश है आशुतोष भैया से, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हुए इतनी बेहतरीन नज़में कही हैं, इतनी बेहतरीन गज़लें कही हैं, मैं उन्हें एक मतलब एक शेर के साथ आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा कि दवाए इश्क को, दवाए इश्क को कड़वा कहूँ तो झूठ कहूँ, दवाए इश्क को कड़वा कहूँ तो झूठ कहूँ, पर अपना हाल भी अच्छा कहूँ तो झूठ कहूँ, पर अपना हाल भी अच्छा कहूँ तो झूठ कहूँ, जरा जरा भी प्यार नहीं मुझको कुछ लगाव नहीं, जरा भी प्यार नहीं मुझको कुछ लगाव नहीं, मैं उसके बारे में ऐसा कहूँ तो झूठ कहूँ। जोरदार तालियां आशुतोष कुमार के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर सदर मोहतरम और हमारे विंध्याचल यादव सर बैठे हुए हैं, जिनसे हमने गोदान पढ़ी, उन्हीं के सामने आज कविता पढ़ रहा हूँ सर। और यहाँ कुशल भाई कह रहे थे कि डराइए मत, दांत दीजिए तई बनारस गुरु यहाँ ऐसा ही होला। जिंदाबाद बनारस। और हर हर महादेव। एक मतलब एक शेर देखिए, उसके बाद फिर मैं अपनी नज़मों पे आऊँगा कि तुम अपनी जुल्फें लहराओ और रिहर्सल हो जाए, तुम अपनी जुल्फें लहराओ और रिहर्सल हो जाए, कोई रूप हले पर्दे पर जैसे झलमल हो जाए। शेर अधूरे कह डाले हैं पहला मिसरा खाली है। आहा, क्या मिसरा है? शेर अधूरे कह डाले हैं पहला मिसरा खाली है, तुम जो थोड़ा मुस्काओ तो शेर मुकम्मल हो जाए। क्या कहने भी अब्बा, बहुत शुक्रिया। तुम जो थोड़ा मुस्कुरा शेर मुकम्मल हो जाए। मैं नज़मों पे आता हूँ। एक नज़्म है देखें कि कभी प्रेम जिसने किया इस जहां में हमेशा यहां वो अकेला रहा है। ध्यान से सुने कि कभी प्रेम जिसने किया इस जहां में हमेशा यहां वो अकेला रहा है, अगर देख लो वो कहानी सिया की तो पाओगे कैसे कि काटी और रातें वो लंका के भीषण महल के खराटे, वो लंका के भीषण महल के खराटे, वो सोई कहां राम के स्मरण में, एक रेखा रही उनके जीवन मरण में, इधर राम भटके थे जंगल के भीतर, रहे वे अकेले विकल रोज विह्वल, उर्मिला 14 बरस तक तड़पती रही आस की लौट आएंगे लक्ष्मण, यहाँ कुछ कहानी सभी प्रेमियों की लगभग उन्हीं के ही जैसी मिलेगी, कहाँ गोपियों को कान्हा मिले फिर, कहाँ जमुना तट पर हुई रासलीला, वही राधा हर क्षण थी पलके बिछाए, किसी रोज लौटेंगे कृष्ण कन्हैया, वो ब्रज के मुरारी और नाग नथैया। देखे कि वाह, आगे सुने कि मर गया कैस पानी बिना रेगिस्तान में, कैस मजनू की मर गया कैस पानी बिना रेगिस्तान में, लैला का कोई पता तो बताता, वो ही रांझा वो सोनी महीवाल, ना जाने कितने के नामों को यारों में कैसे गिनाऊं की राहे मोहब्बत, निगल जाती है जाने कितनी मोहब्बत। रही हो भले कोई प्यारी शकुंतल या राजा कोई दुष्यंत रहा हो, इंदुमती का कोई शोक हो या किसी यक्ष ने मौन कोई गहा हो, ना जाने कितनी सुजानों के चक्कर में कितने घनानंद उम्र खप गए हो, जिनके चेहरे सड़कर हुए हो कुरूप, जिसने अपने जलते हृदय से कहा हो कि रावरे रूप की रीति अनूप। किसी शेखर की जीवनी पढ़ के देखो, कोई तो शशि की कमी पढ़ के देखो, किसी शेखर की जीवनी पढ़ के देखो, कोई तो शशि की कमी पढ़कर देखो, कोई गुनाहों का क्यों देवता हो, कहीं कोई चंदर क्यों कोई सुधा हो, कोई गुनाहों का क्यों देवता हो, कहीं कोई चंदर क्यों कोई सुधा हो, कहीं टाइटैनिक में भरता है पानी, कहीं टाइटैनिक में भरता है पानी, कहीं पर कोई जैक डूबा हुआ है, किसी बर्फ के एक टुकड़े के ऊपर कोई रोज लेटी हुई पड़ी हो,
हर एक तंग गलियों में कुंदन दिखेगा। ये बनारस है कि हर एक तंग गलियों में कुंदन दिखेगा, जो जोया की खातिर भटकता मिलेगा। हर एक तंग गलियों में कुंदन दिखेगा, जो जोया की खातिर भटकता मिलेगा। वहीं एक कोने में बिंदिया बेचारी रोती मिलेगी, सुबकती मिलेगी। हाँ, वहीं एक कोने में बिंदिया बेचारी रोती मिलेगी, सुबकती मिलेगी। जितने तजर्बे मिले जिंदगी के, उनसे मिला करके देखो तो समझो। जिसने भी थामी किसी की हथेली, प्यारा बेचारा कहाँ का रहा है। कभी प्रेम जिसने किया इस जहाँ में, हमेशा यहाँ अकेला रहा है। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। एक नज्म देखें, इसका उनवान है 14 जनवरी। और मैं चाहता हूँ कि इस नज्म के बाद आप मुझसे जुड़ जाएं, क्योंकि एक बहाव में चलेगी नज्म और आप एक कहानी तक आपको मैं ले जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका साथ बना रहे मेरे साथ। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार। बहुत शुक्रिया, स्वागत है भैया। देखिए कि मुझे याद आती है 14 जनवरी, मुझे याद आती है 14 जनवरी, जहां हमने कितनी पतंगे उड़ाई, पतंगे कटाई, पतंगे लुटाई, मगर लुट गई अपनी सारी कमाई। गंगा के उस पार ना जाने कितने घरौंदे बनाए, बिगाड़े गए फिर बालू के उन छोटे छोटे घरों की। कसम है तुम्हें, तुमने वादा किया था कि लौटोगे तुम मेरी बाहों में एक दिन, जहां फिर से हम एक दूजे के खातिर बनाएंगे ना जाने कितने घरौंदे। कि तुम ही नहीं हो कि जब इस मकाम में, किसे ढूंढ ले इस गमले की खातिर। निकलता है सूरज यहाँ धूप लेके, बरसती हैं आँखें की बादल हो जैसे। तुम्हें चाहने के अलावा किया क्या, वाह। तुम्हें चाहने के अलावा किया क्या, यही सोचकर कितनी रातें कटी हैं। हमारे वो हिस्से की सारी मिठाई, ना जाने किस किस के हिस्से बटी है। हमारे वो हिस्से की सारी मिठाई, ना जाने किस किस के हिस्से बटी है। तुम्हारी जबी से लुढ़कता पसीना, तुम्हारी जबी से लुढ़कता पसीना, मुझे याद आता है जैसे कि कोई उतरता हो एकदम की दंदन दनादन बनारस के घाटों से, गंगा को पाने की, गंगा के जल में उतर कर नहाने। जिंदाबाद, वाह, बहुत शुक्रिया। कि तुम्हारी जबी से लुढ़कता पसीना, मुझे याद आता है जैसे कि कोई उतरता हो एकदम की दंदन दनादन बनारस के घाटों से, गंगा को पाने की, गंगा के जल में उतर कर नहाने। मैंने जो पहना लिबास से मोहब्बत, आहा, तुम भी समाई थी तब उसके भीतर। आहा, मेरे मोहब्बत के उस पैरहन की, ना जाने कैसे सिलाई उखड़ के उड़ी जा रही है वो जर्जर अवस्था में। आहा, जिसकी तुम्हें अब खबर ही नहीं है, जिसकी तुम्हें चाह भर भी नहीं है। आहा, जोरदार तालियां साथियों, जोरदार। जिसकी तुम्हें चाह भर भी नहीं है। मेरा एक छोटा सा कमरा है जिसमें तेरी एक छोटी सी तस्वीर मैंने, मेरा एक छोटा सा कमरा है जिसमें तेरी एक छोटी सी तस्वीर मैंने, ना जाने कितने दिनों एक टक यूं देखी हो, जैसे कि तकता हो कोई किसी रेलगाड़ी के इंजन को, जैसे कहीं दूर जाने की ख्वाहिश में जन्म पड़ा हो किसी प्लेटफार्म के ऊपर। कहीं दूर जाने की ख्वाहिश में जन्म पड़ा हो किसी प्लेटफार्म के ऊपर। तुमने बुना था जो बादामी स्वेटर, तुमने बुना था जो बादामी स्वेटर, उसे मैंने अब तक संभाले रखा है। जिसकी बुनाई में तुम मेरी खातिर ना जाने कितनी ही रातें जगी थी, चेहरे की झुलसन और आंखें थी सूजी, फिर भी मुझे तुम तो अच्छी लगी थी। मैं करता प्रवाहित तेरी याद गंगा में, मैं करता प्रवाहित तेरी याद गंगा में, फिर मुझको टोका किसी फलसफी ने कि गंगा में केवल बहाते हैं अस्थि। तेरी याद का यार कोई बदन तो नहीं है जिसे मैं जलाऊं ले जाकर, जहां पर हरिश्चंद्र ने मांगा था आचल अपने ही बेटे के क्रियाक्रम में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेहतरीन, वाह। मैं करता प्रवाहित तेरी याद गंगा में, फिर मुझको टोका किसी फलसफी ने कि गंगा में केवल बहाते हैं अस्थि। तेरी याद का यार कोई बदन तो नहीं है जिसे मैं जलाऊं ले जाकर, जहां पर हरिश्चंद्र ने मांगा था आचल अपने ही बेटे के क्रियाक्रम में। मणिकर्णिका की दहकती फिजा में, मणिकर्णिका की दहकती फिजा में मैं बैठा रहा था तुझे सोचने पर। मैं क्या देखता हूँ कि आए हैं जोड़े, लड़की भी शायद कफन के है भीतर और लड़का भी शायद है कोई कफन में। वादा किया था जिन्होंने कभी, वो भागे नहीं मर के आए हैं पागल। वादा किया था जिन्होंने कभी, वो भागे नहीं मर के आए हैं पागल।
बांसों के टुकड़े पर रस्सी से बांधे जिन्हें खोल करके जलाया गया, फिर जो जल करके अकड़े तो फिर बांस से जो जल करके अकड़े तो फिर बांस से ही तड़ातल तड़ातल लेटाया गया। फिर रहा देखता मैं अजब खेल किस्मत यहाँ पर कराती है कितनी बेगारी, हम सब है भालू और वो है मदारी, महज इसमें सब लुभाए गए हैं मोहब्बत में सारे सताए गए हैं। मुझे याद आती है 14 जनवरी। इतना अच्छा सुन रहे हैं आप लोग और मैं अपने घर में सुना रहा हूं तो इस बात की ढिठाई मैं थोड़ी कर सकता हूं कि दो चार और सुनाते चलूं। स्वागत भैया, स्वागत। देखिए उसके बाद कि हाँ बकरी भी सुनाएंगे भाई। देखिए कि इसका अनुमान है एक सांवली से लड़की। स्वागत भैया। सबके जहन में आ गई होगी वो लड़की, खैर मैं अपनी वाली सुनाता हूँ। स्वागत भैया। कि एक सांवली सी लड़की मेरा हाल पूछती है, एक सांवली सी लड़की मेरा हाल पूछती है, मेरे सांस सांस चलती मेरे गाल खींचती है। आंखें हैं उसकी मोती जैसे कि थोड़ी शबनम गेहूं के छोटे पौधों पर सुबह में रुकी हो, एक प्यारा सा वो बच्चा जर्मन वाले शेफर्ड का, वो प्यारा एक प्यारा सा वो बच्चा जर्मन वाले शेफर्ड का गोद में है, मुझ गोद में है उसके जो मुझको देखता है, होता है रश्क मुझको उस छोटे प्यारे पिल्ले से जो दिल के उसके इतने करीब जाके बैठा है, जो दिल के उसके इतने करीब जाके बैठा है, वो मुस्कुरा रही है मेरी जान जा रही है। घर से उसके बाहर वो काला सा एक खंबा जो रात में रोशन किए है सारे मोहल्ले को, जिसकी वो जर्द रोशनी कुछ बात बोलती है, जिसके उस पीलेपन में सरसों के खेत जैसे कोई यूं मचल रहा हो, जैसे बसंती पौने यूं झूम गा रही हो। धूप अंधेरे से मेरे पास आ रही है, वो मुस्कुरा रही है मेरी जान जा रही है। आंगन में उसके कोई है फूल चमेली का, आंगन में उसके कोई है फूल चमेली का, जिसकी महक से सारा शहर महक रहा है, जिसकी महक से मैं महक रहा हूँ, मैं फिर बहक रहा हूँ। वो अपने छत के ऊपर से हाथ हिला रही है, वो मुस्कुरा रही है मेरी जान जा रही है। क्या बात, जिंदाबाद। एक ठिगने कद का कह लो या कोई आदमी है, वो भी उसे है एकदम से देखता ही रहता है, फिर पास उसके आता है, फिर पास उसके आता है हाथ फिर छुड़ाता है दूर, मुझसे दूर उसको लेता जाता है। मैं चीखता हूँ लेकिन आवाज़ कोई निकले ना, डर मुझे है लगता वो हाथ मुझसे फिसले ना, डर मुझे है लगता वो हाथ मुझसे फिसले ना। वो देखती है मुझको फिर देखती ही रहती है, जैसे कि ठेले वाला यूँ देखता हो अपने ठेले के तोड़े जाने का, निर्मम पुलिस के हाथों सामान फोड़े जाने का। आंसू निकल रहे हैं मैं पोछ भी न सकता हूँ, आंसू निकल रहे हैं मैं पोछ भी न सकता हूँ, दामन है वो पसारे मैं बंध गया हूँ खुद में, वो सांवली सी पगली तो कब की जा चुकी है, वो सांवली सी पगली तो कब की जा चुकी है। ये क्या हुआ है मुझको क्यों आज भी सपन में वो लेके आ जाती है अपने उस प्यारे जर्मन को जो कब का मर गया है, वो ठिगना भी तो शायद अब हो गया है बूढ़ा। तब तक कहीं से मेरी बेटी कहीं से आई, हाथों में अपने लेकर मेरी सभी दवाई, मुझे प्यार से खिलाई, यूँ साल हो गए हैं 40 से उससे ज़्यादा, वो सांवली सी सूरत क्यों भूलता नहीं मैं, वो सांवली सी सूरत क्यों भूलता नहीं मैं। वाह बेटी, जोरदार तालियां भाई, वाह, जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां एक बार बेहतरीन नज़्मों के लिए। एक नज्म है बकरी का बच्चा देख ले कि। स्वागत भैया, स्वागत। किसी के विरह में न हो इतना पागल कि खुद से ही तेरी कहानी बिखर कर, मशरिक मगरिब सुमालो जनूबे के चारों तरफ फैल जाए कि ऐसे, जहां एक आशिक मिले तुमको रोते हुए इस कदर की कहीं संगे दिल से, कोई मीठा चश्मा उतरता हो जैसे और इसकी आंखों से बहते हो आंसू, तब तुम बताओ संभालोगे कैसे। मुझे एक दिन महलका वो मिली थी, दीद की जिनकी खातिर मोहल्ले के बच्चे समय से ही पहले जमा हो गए थे। मुझे एक दिन महलका वो मिली थी, दीद की जिनकी खातिर मोहल्ले के बच्चे समय से ही पहले जमा हो गए थे,
जिन्हें शीन और काफ के वो तलफ़ समझ में ना आते थे, पर वो मेरी जा जवानी पे तेरी फिदा हो गए थे। तेरे इतर के महक से ना जाने कितनों ने सपने सजाए हुए थे। राहों के आगे तेरी माजबिन सुन, कितनों ने पलके बिछाए हुए थे। एक बकरी का बच्चा उछलता हुआ तब सब्ज नर्म घासों के ढेरों पर आकर उसे प्यार से गोद में तब उठाकर तुम चूमा था तुमने मुझे, तब दिखाकर ले जाया गया उसको, पाला गया फिर प्रेम के पालने में भी डाला गया फिर। उसे ऐसा लगने लगा था ये जन्नत की मैं हूँ यहाँ का सदा से बाशिंदा, मगर तेरी शादी के जलसे की खातिर वो बकरी का बच्चा भी मारा गया फिर। वाह। मगर तेरी शादी के जलसे की खातिर वो बकरी का बच्चा भी मारा गया फिर। नरम गोश्त के शोरबे में हिचक कर दो रोटी डुबा कर थी तुमने भी खाई। नरम गोश्त के शोरबे में हिचक कर दो रोटी डुबा कर थी तुमने भी खाई। तुम्हारी अजब ये कहानी है दिलबर, जिसे तुमने चाहा वो मारा गया है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जिसे तुमने चाहा वो मारा गया है। एक आखिरी नज़्म पढ़कर मैं, छोटी नज़्म है, देख लें, इतना देर से सुन रहे हैं, थोड़ा सा और झेल लीजिए मुझे। स्वागत है भैया। एक जॉन एलिया एक शायर हुए हैं और मेरे बड़े पसंदीदा शायर रहे, तो उनको नज़्म करते हुए मैं एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूँ कि जॉन एक तस्वीर तुम्हारी टंगी हुई है मेरी छोटी सी खिड़की पर, और तुम्हारे बाल न जाने ऐसे कैसे उलझ गए हैं, जैसे एक उलझा सा सपना याद आ गया, जैसे एक उलझा सा सपना याद आ गया। भोर हुए जब आँख खुली तो शीशे सा कुछ बिखर गया था, या सपनों की दौड़ में कोई अंग मेरा जो हिला नहीं था अब काबिल है कुछ करने को। आँख खुली तो पाया कि वो सपना शायद सच हो जाए, शेर तुम्हारे काम में आए जो भी तुमने लिख डाले थे, जीते जीते जौन कभी तुम समझ ना आए। तुम चेहरे पर हाथ धरे कुछ सोच रहे हो, या फिर मेरी हालत पर एक शेर सुनाने की खातिर तुम इन नज़रों से देख रहे हो, पूछ रहे हो और बताओ सच है ना, जो भी मैंने लिख डाला था वो सब तो होता है ना। फिर लगता है जॉन मुझे कुछ कहते हो तुम, या फिर मेरी इस हालत से दुखी हुए तुम, या फिर गुस्सा होकर मुझको तुम अपने अशआर सुनाओ। किसने कितने ऐश से रहते होंगे, कितना इतराते होंगे, जाने कैसे लोग होंगे जो कि तुझको भाते होंगे। वाह। मुझे तुम्हारे आंखों की वो कारी पुत्री मन को मेरे हर लेती है, और जो तुमने हाथ रखा है गालों पर वो इश्क को शायद जावेदानी कर जाए। तुम जैसे थे वैसे ही अब मेरे पास भी लगता है कुछ भी नहीं ख्वाबों के सिवा, उसको भी तमन्ना है मेरा कमरा सजाने की, मेरे पास भी कुछ भी नहीं किताबों के सिवा। बहुत शुक्रिया।